भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कृषि और फसलों से जुड़े कार्य को हर राज्य में महत्व दिया जाता है और आबादी का काफ़ी बड़ा हिस्सा कृषि में ही पैदावार को बढ़ोतरी के प्रयास में जुटा रहता है। आमदनी की भी बात की जाए तो देश में ज़्यादातर लोग कृषि के ऊपर निर्भर रहते हैं। भारत देश में लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। यह लोग देश में रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करते हैं। कृषि हम सब जीवन का एक अभिन्न अंग है जो कि सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लोगों को सेहत और चलन की निर्धारित करता है। कृषि के क्षेत्र में कैरियर की बात की जाए तो कृषि में कैरियर की तरफ छात्रों को ट्रेंड जिसका बढ़ती पॉपुलरिटी भी उसके श्रेय विश्व को बढ़ते आबादी को ही जाता है। इस क्षेत्र में बढ़ते इस ट्रेंड को देखते हुए दुनिया के सभी माने हुए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने इससे जुड़े कोर्सेज को अहमियत दी है और बेहतरीन तकनीकी ज्ञान और सिलेबस में शामिल कराया है। तो आइए कृषि में कैरियर के बारे में जानते हैं। इससे पहले इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं उसे जान लेते हैं। कृषि में पढ़ाई क्या करें, आवश्यक स्किल, 12वीं के बाद कृषि में स्पेशलाइज सब्जेक्ट, कृषि क्षेत्र कोर्स विकल्प, स्पेशलाइज सब्जेक्ट, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स, मास्टर्स कोर्स और डॉक्टरेट कोर्स। 12वीं के बाद कृषि के क्षेत्र में क्या करें, भारत के टॉप 10 कॉलेजेस, BSc एग्रीकल्चर, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया, कृषि प्रवेश के लिए अन्य परीक्षाएँ, लीडिंग जॉब प्रोवाइडर गवर्नमेंट कंपनी, लीडिंग जॉब प्रोवाइडर प्राइवेट कंपनी, कैरियर स्कोप और जॉब प्रोफाइल, कृषि में कैरियर, कर्मचारी की स्किल पैकेजेस क्या है, BSc एग्रीकल्चर के बाद नौकरी। इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं बेस्ट फैक्ट फेयर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करें। पहले जानते हैं कृषि में पढ़ाई क्या करें। कृषि देश में आने वाले अनाज और खाद्य पदार्थ की मांग को पूरा करती है। बढ़ती आबादी के साथ साथ भोजन की मांग और ज़रूरत दोनों को तब्दीली देखने को मिली है जिससे एग्रीकल्चर से जुड़े तकनीकी की वृद्धि की मांग बढ़ती गई है। बेहतर तकनीकी के साथ साथ बेहतर प्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए मैन पावर और स्किल्स को डेवलप किया जाता है। इसमें बेहतर आइडियाज़ की भी भागीदारी की आवश्यक है जिसके चलते कृषि में कोर्सेज की पॉपुलरिटी भी बढ़ती नज़र आ रही है। एग्रीकल्चर में ब्रांड रीच और सब फील्ड्स देखने को मिलती है। कृषि के क्षेत्र में छात्रों का रुझान और विश्व में इससे जुड़ी कोर्सेज की मांग बढ़ने के कारण कैरियर में मिलने वाली नौकरियों की रेंज भी बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई कैसे करें और आपके भविष्य के लिए क्या लाभदायक है और क्या रहेंगे फ़ायदे। कृषि के क्षेत्र में अपने आप एक फैला हुआ क्षेत्र है और जिससे जुड़ी हुई शाखाएं और सब फील्ड्स आपके लिए एक पसंदीदा फील्ड के ज्ञान अर्जित करता है, साथ साथ बेहतर डिग्री प्रदान करती है जिसके भविष्य के नौकरियों का दायरा बढ़ जाता है। 12वीं के बाद आप बैचलर के साथ साथ मास्टर्स करने वाले ऑप्शंस भी चुन सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में बेहतर डिग्री और नॉलेज आपके बेहतर विकल्पों को ले जा सकता है। बैचलर हो चाहे मास्टर्स डिग्री, आप अपनी पढ़ाई के बाद अपनी बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको अपनी स्किल और आइडियाज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। नौकरी के विकल्पों की अगर बात करें तो आपकी जॉब प्रोफाइल आपके चुने गए कोर्सेज पर निर्भर करती है। एक ब्रांड फील्ड होने के कारण आपकी नौकरियों के ऑप्शंस भी काफ़ी देखने को मिलेंगे जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन एनालिस्ट, फार्म मैनेजर, साइंस एंड प्लांट साइंटिस्ट आदि शामिल है। BSc एग्रीकल्चर क्या है, इसके जॉब स्कोप, सैलरी प्रिपरेशन, ETC के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स। कृषि जैसे प्रैक्टिकल और क्रिटिकल क्षेत्र में प्रवेश के लिए आपको कुछ चीज़ों की स्किल होने की आवश्यकता होगी जैसे कि एग्रीकल्चर कोर्स करने वाले छात्र के लिए अनिवार्य है और कोर्स में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। कृषि के क्षेत्र में सफलता के लिए कुछ स्किल्स जरूरी हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, मैनेजमेंट स्किल, पीपल स्किल, लाइफ लॉन्ग लर्नर, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, मैकेनिकल माइंड, टीम वर्क, लीडरशिप, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब जानते हैं 12वीं के बाद कृषि में स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स। BSc एग्रीकल्चर के बाद आप इसमें किसी भी सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन कर अपनी स्किल को, क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं जैसे कि सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एक्सटेंशन एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी और एनिमल साइंस। कोर्स ऑप्शन इन एग्रीकल्चर, सर्टिफिकेट कोर्स इन एग्रीकल्चर साइंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज,
सर्टिफिकेट कोर्स इन बायोफर्टिलाइजर प्रोडक्शन, डिप्लोमा कोर्स में आता है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रैक्टिसेस, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग। ट्वेल्थ ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये कोर्स साइंस स्ट्रीम के अंदर ही आता है। इसे करने के बाद आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। अब जानते हैं बैचलर कोर्सेज यानी BSc, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस इन क्रॉप फिजियोलॉजी, मास्टर्स कोर्स, मास्टर्स इन साइंस इन एग्रीकल्चर, मास्टर्स इन साइंस इन बायोलॉजिकल साइंस, मास्टर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चरल बॉटनी, डॉक्टरल कोर्सेज, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एग्रीकल्चर, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी। ट्वेल्थ के बाद कृषि के क्षेत्र में क्या करें? ट्वेल्थ पास होने के बाद अगर आप कृषि के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप BSc एग्रीकल्चर करने का विचार कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री या कोर्स होता है। BSc एग्रीकल्चर कृषि इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जैसे एग्रोनॉमी, गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, द बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, पैथोलॉजी, लैंड सर्वे, फॉरेंसिक साइंस, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एनिमल एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए MCQs, बुक्स, न्यूज़, वैकेंसी, इट्स के लिए हमारा वेबसाइट www.agrifair.in पर विजिट करें। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं top 10 कॉलेजेस इन इंडिया। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर, आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, एमबिल दरभंगा एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुचिरापल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। अब जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट किसी भी साइंस स्ट्रीम से हैं तो कर सकते हैं। ट्वेल्थ मुख्य सब्जेक्ट इनमें से PCB, PCM और ABC से हैं सब्जेक्ट से पास आउट तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। किसी के लिए आपको आपके ट्वेल्थ पास करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता होती है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होता है और उसके अकॉर्डिंग आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे एग्री सेट, UPSC TET, ICAR एंट्रेंस एग्ज़ाम, ICAR, AIEEA ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट, EAM SET, PAU एंट्रेंस एग्ज़ाम, KEAM, IGKVCET, अदर एग्ज़ाम फॉर एग्रीकल्चर एंट्रेंस, CG प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, GB पंत यूनिवर्सिटी एडमिशन, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, MP प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, MCAER कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश कम्बाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, राजस्थान ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, बिहार कम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। लीडिंग जॉब प्रोवाइडर गवर्नमेंट कंपनी, कंपनीज और एग्रीकल्चर सेंटर्स जो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन पूरी किए स्टूडेंट्स को नौकरी देती है। ऑल द डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड विद एग्रीकल्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल रिसर्च सेंटर्स ऑफ ICAR एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, सॉइल टेस्टिंग सेंटर, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड एनवायरमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ETC इन द हेड। लीडिंग जॉब प्रोवाइडर प्राइवेट कंपनीज, फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर कंपनी, फार्मिंग इंडस्ट्री कंसल्टेंट, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्रोसेसर्स, सीड इंडस्ट्रीज, NGO, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मीडिया ग्रुप, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, डेयरी इंस्टीट्यूट्स। जॉब आफ्टर BSc एग्रीकल्चर और BSc एग्रीकल्चर के बाद क्या करें, इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देखें। अब जानते हैं कैरियर स्कोप एंड जॉब प्रोफाइल के बारे में। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल करना और सुनिश्चित ट्रेनिंग लेने के बाद बतौर सरकारी और निजी कृषि कर्मचारी बढ़ती आबादी और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत इस फील्ड में अधिक महत्वपूर्ण बताती है। मुख्यतः इसमें एक विद्यार्थी को उसके चुने गए कोर्सेज के जुड़े और उसके ऑप्शंस की जानकारी दी जाती है, जिसमें एग्रीकल्चर की पूरी तरीके से समझ सके और उसके बढ़ोतरी में अपना योगदान दे सके।
एक ब्रांड फील्ड होने के कारण इस क्षेत्र में ग्रेजुएशन की भी बड़ी तौर पर देखने को मिलती है, चाहे वो नौकरी हो या फिर अपना बिजनेस शुरू करने का विचार रखते हैं। कृषि क्षेत्र में ग्रेजुएट होने के बाद आप मास्टर्स करने के साथ साथ डॉक्टरेट या फिर नौकरी करने का ऑप्शंस भी चुन सकते हैं। एक ग्रेजुएट कृषि क्षेत्र में डिग्री के बाद सरकारी, प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में किसी भी एक को चुन सकते हैं। कृषि में फील्ड किसी भी कोर्सेज की रुचि रखने वाले विद्यार्थी अपना ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कुछ बताए गए इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फार्म मैनेजर, सुपरवाइजर, सॉइल साइंटिस्ट, एंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, एनिमल हस्बेंड्री स्पेशलाइज्ड, एग्रीकल्चर इंजीनियर, एग्रीकल्चर कंप्यूटर इंजीनियर, इंजीनियर हैविंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स, जियोस्पैटिकल सिस्टम इन वे एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर फूड साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, सर्वे रिसर्च एग्रीकल्चर इंजीनियर, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स इंजीनियर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड सुपरवाइजर, रिसर्चर, एग्रीकल्चर क्रॉप इंजीनियर, बी कीपर, फिशरी मैनेजर, बोटनिस्ट, सॉइल इंजीनियर, सॉइल एंड प्लांट साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन और मीडिया मैनेजर। जानते हैं कैरियर इन एग्रीकल्चर सैलरी पैकेज ऑफ द एम्प्लॉय। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में ग्रेजुएट, बीएससी या बीटेक फ्रेशर की शुरुआत एवरेज सैलरी 18,000 से 25,000 रुपए प्रति माह मिलती है। अन्य किसी भी फील्ड्स की तरह इस फील्ड्स में भी सैलरी पैकेज, क्रेडिट्स और जॉब रोल स्किल के हिसाब से बैचलर डिग्री के संबंधित यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। इस फील्ड में पेशेवर को 4 वर्ष और 6 वर्ष की कार्य अनुभव के बाद एवरेज 6 से 10 लाख रुपए प्रति माह वर्ष के सालाना और पैकेज मिल सकता है। इस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को शुरुआत 3.6 लाख के तकरीबन इनके औसत सालाना पैकेज हो सकती है। 4 वर्ष या 6 वर्ष की कार्य अनुभव के बाद 9 लाख से 6 लाख प्रति माह सैलरी हो सकती है। इसी तरह फील्ड में संबंधित रिसर्च प्रोफेशनल 55 से 80,000 रुपये प्रति माह का एवरेज सैलरी लेते हैं। अब जानते हैं जॉब आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर, फर्टिलाइजर कंपनीज, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एग्री बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर फाइनेंस सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग और प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। अब जानते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, नॉर्थ इंडियन रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नवार्ड एंड अदर बैंक्स, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। विदेश में कौन कौन सी पोस्ट पर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद नौकरी कर सकते हैं? एग्रीकल्चर इंजीनियर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लैंडस्केपिंग मैनेजर और क्रॉप टेस्टिंग ऑफिसर। 12th के बाद एग्रीकल्चर कैसे करें? डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट कोर्स आप 12th के बाद कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी इन एग्रीकल्चर जैसे कोर्स किए जा सकते हैं। इस फील्ड में बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर कोर्स की अवधि 4 साल होती है और डिप्लोमा कोर्सेज 2 से 3 साल की होती है। एग्रीकल्चर टीचर कैसे बने? बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप एग्रीकल्चर में एमएससी कर सकते हैं। यह एक मास्टर डिग्री है। इसमें करने के बाद आपके कई सारे कैरियर के रास्ते खुल जाते हैं, जिसमें आप उच्च स्तर की नौकरी पा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप सरकारी या प्राइवेट स्कूल में एग्रीकल्चर टीचर बन सकते हैं। कृषि विभाग में सैलरी कितनी मिलती है? कृषि विभाग में मिलेगी इतनी सैलरी। उदाहरण के तौर पर असिस्टेंट सुपरवाइजर की प्रतिमाह सैलरी लगभग 25,000 से 80,000 रुपये के बीच में होती है। उन्हें वेतन के अलावा कई अन्य भत्ते भी मिलते हैं। अब जानते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है। पौधों या पशुओं में संबंधित उत्पादों की खेती करना, उत्पादन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर या कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन और डेयरी विज्ञान, कृषि रसायन और मृदा विज्ञान, बागवानी, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि इंजीनियरिंग, वनस्पति विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, विस्तार शिक्षा और कीटनाशक शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो कैरियर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैरियर कैसे बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएँ। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉमेंट करके बताएँ, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम से जुड़ के वहाँ भी आप सवाल पूछ सकते हैं या फिर हमें किसी वीडियो के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।